Dear friends, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today start the chemistry class 11th chapter 3 classification of element and periodicity in properties. Next heading Mendeleev's original periodic table. Write the two type of Mendeleev's. One type Mendeleev's and F remove, write the V. Mendeleev and Mendeleev. दो टाइप से मेंडेलीव को लिखा जाता है, राइट किया जाता है. F लिखिए या V लिखिए, जो भी लिखिए दोनों करेक्ट है आपका. तो मेंडेलीव की ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल देखते हैं. पहले तो इसके बारे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंटों को देखेंगे. फर्स्ट पीरियाडिक टेबल, फर्स्ट पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय मेंडेलीव्स. फर्स्ट पीरियाडिक टेबल किसने दिया? मेंडेलीव्स ने. मेंडेलीव्स वाज रशियन केमिस्ट. ये क्या थे? रशियन केमिस्ट थे. फुल फॉर्म मेंडेलीव्स जो लिखा जाता है उसका फुल फॉर्म है डिमित्री इवानोविच. डिमित्री इवानोविच नाम फुल फॉर्म लिखा जाता है. डिमित्री इवानोविच रशियन केमिस्ट मेंडेलीव्स. तो फुल फॉर्म है आपका इसका डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, जो क्या है आपके रशियन केमिस्ट है. तो फुल फॉर्म डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव्स है इसका फुल फॉर्म, जो क्या है रशियन केमिस्ट है. और जो है आपका अगला पॉइंट है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. और इसी को कहा जाता है आपका पीरियाडिक लॉ. क्या कहते हैं? पीरियाडिक लॉ, या कहा जाता है आपका पीरियाडिक सिटी. तो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है नीट में, आया हुआ है आपका जी में, आया हुआ है सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में. आपका आया फर्स्ट पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय मेंडेलीव, बट फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय डोबे राइनर ट्रेड ला. तो डोबे राइनर ला ऑफ ट्रेड जो है, ये डोबे राइनर ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंटों का दिया, जबकि फर्स्ट पीरियाडिक टेबल आपका किसने दिया? मेंडेलीव ने. मेंडेलीव क्या है? रशियन केमिस्ट. फुल फॉर्म डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव है. और इसका पूछा जाता है आपका पीरियाडिक लॉ. तो पीरियाडिक लॉ किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट पर. क्या है पीरियाडिक लॉ या पीरियाडिक सिटी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियाडिक
ऑफ दियर एटॉमिक वेट, तो यहां आपका एलिमेंट है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक सिटी, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 4 पॉइंट, इसे आप अवश्य याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं मेंडलीव सुवर्जिनल पीरियोडिक टेबल की, तो एलिमेंटों के कंप्लीट स्टडी के लिए 1869 में जो है दिया मेंडलीव ने एक टेबल जिसे कहा गया है आपका मेंडलीव सुवर्जिनल पीरियोडिक टेबल। इन 1869 फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट गिव अ टेबल कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पीरियाडिक टेबल, इसमें तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साइंटिस्ट मेंडलीव ने एलिमेंटों के कंप्लीट जानकारी के लिए, एलिमेंटों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के स्टडी के लिए एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और दिया गिव अ टेबल जिसे कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पॉइंट मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ये आपका किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर। सेकेंड, सेवन हॉरिजेंटल कॉलम In this periodic table, 7 horizontal column called period in a Roman number, इसे रोमन नंबरों में लिखा जाता है, शो किया जाता है। तो 7 है आपका हॉरिजेंटल कॉलम जिसे कहेंगे पीरियड, और पीरियड मींस है आपका लेफ्ट टू कहां चलेंगे, राइट। किस क्रम में रखा गया, अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो हम बात करते हैं इन पीरियडों की, यहां पर जो है हम 7th पीरियड की बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हम बात करते हैं 7 पीरियड की, पहले सेकेंड पॉइंट है आपका, यहां लिख लेते हैं हम पीरियड, ये हो गया फर्स्ट, रोमन नंबर में लिख लिया जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, यहां लिख लेते हैं लास्ट एलिमेंट हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडान अनऑक्टेनियम, और यहां लिख लेते हैं हम टू
टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 2, 8, 8, 18, 18, 32, 26 और यहां लिख लेते हैं हम पीरियड नेम। ये है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, ये है आपका लॉन्ग पीरियड, इसे कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। नहीं, ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, ये है आपका शॉर्ट पीरियड, ये है आपका लॉन्ग पीरियड और ये है आपका वेरी लॉन्ग पीरियड और ये है आपका इनकम्प्लीट। ये क्या है? इनकम्प्लीट। तो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है मेंडेलीय पीरियाडिक टेबल में और इन 7 हॉरिजॉन्टल कॉलमों का नाम रखा गया है पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फर्स्ट ये एलिमेंट है आपके, लास्ट वाले एलिमेंट ये है, टोटल एलिमेंट है और पीरियाडिक का नाम, पीरियड का नाम है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग और लास्ट में क्या है? इनकम्प्लीट। लेकिन बात हम करेंगे जब मेंडलीव की, तो ये जो आपके 3 पीरियड हैं, यहां देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका कहलाएगा शॉर्ट पीरियड और ये थर्ड आपका कहलाएगा लॉन्ग पीरियड और ये है आपका इनकम्प्लीट। तो ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल में केवल शॉर्ट, लॉन्ग और इनकम्प्लीट की बात करते हैं, बाद में मॉडिफाई होगा और ये जो आपका 26 है ये कन्वर्ट होगा 32 में और ये भी आपका होगा वेरी लॉन्ग पीरियड। ध्यान देंगे ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल मेंडलीव में थर्ड स्टार्टिंग के शॉर्ट है और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लॉन्ग है और लास्ट में क्या है? इनकम्प्लीट। ये किसके अकॉर्डिंग है? मेंडलीव के। मॉडर्न मेंडलीव की बात की जाएगी तब ऐसा होगा, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की बात की जाएगी तब ऐसा होगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि कितने पीरियड हैं? 7। कहां चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो ध्यान देंगे इन पीरियडों में आप 7th पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड और एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, 2, 10, 18, 36, 40, ये 54, 86, 118। अनएक्टोनियम ये आपका UUO के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडर्न तो आपका ये होगा नाम, अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो ये होगा नाम। तो ये है आपके 7th पीरियड। स्पेशली आप इसे आप देखेंगे, पूछा जाता है कि पीरियड कौन है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, तो फर्स्ट वाला 3 शॉर्ट है और इसके बाद 3 आपका क्या है? लॉन्ग है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल 8 वर्टिकल कॉलम काल गुरु, तो इसमें 8 वर्टिकल कॉलम है जिसका नाम क्या रखा गया? गुरु। 8 ग्रुप हैं और ये ग्रुप भी आपका रोम नंबर में लिखा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8। ये हो गए 8 ग्रुप। ऑल ग्रुप, डी
डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी एक्सेप्ट एट, आठवें को छोड़ करके ऑल ग्रुपों को डिवाइड कर दिया गया ए और बी सब ग्रुपों में। इसमें ये होगा लेफ्ट साइड में और ये होगा हमेशा राइट साइड में। ए पीरियाडिक टेबल की बात करेंगे हम, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल की, तो ए लेफ्ट साइड में होगा और आर कहां होगा? राइट साइड में। इन पीरियड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड इन एवरी पीरियड, प्रत्येक पीरियड में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये आपका चेंज होता रहता है। बात हम इसके बाद की करते हैं, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। टोटल नंबर ऑफ पीरियड या कह लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीरियड, जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पीरियड होंगे। ये भी आपका खास बात है इस मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल में। आगे बात करते हैं हम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बताया गया मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल में। तो मेंडलीव ने जो है न्यू एलिमेंटों के डिस्कवरी के लिए जगह जगह रिक्त स्थान छोड़ दिया था, डिस्कवरी फॉर न्यू एलिमेंट सम स्पेसेज फॉलोइंग टाइप्स, तो इन्होंने हमने लिख लिया मेंडलीव हैज लेफ्ट सब वैकेंट स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट दियर एलिमेंट आर। तो यहां हम लिख लेते हैं ई के ए एका एका बोरान, फिर आपका इन्होंने लिख लिया था एका सिली एका एल्यूमिनियम और आपका एका सिलिकॉन। इन्होंने संभावित नाम एका करके लिख लिया था, बाद में जैसे जैसे समय बीता ये आपका स्कैंडियम हो गया, ये गैलियम और ये आपका जर्मेनियम। तो ये लेटेस्ट एलिमेंट जब डिस्कवरी हुई तब इसका नामकरण किया गया, बट पहले इसका नाम जो है एका बोरान एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन था। तो ये मेंडलीव के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं पीरियाडिक टेबल के, इसको आप ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल ऑफ मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स की ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल की ये खास बातें हैं। कुछ और भी है आपका, जैसे कहा जाता है कि आपका जो पीरियड है अनइक्वल लेंथ ऑफ अनइक्वल लेंथ ऑफ पीरियड, पीरियड की लेंथ जो है अनइक्वल है ड्यू टू, जिसका रीजन है कारण है अनइक्वल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है? अनइक्वल है, इसीलिए पीरियड भी कैसा है? अनइक्वल है। अगला है आपका थर्ड पीरियड, बात करते हैं हम लोग इन थर्ड पीरियड। इन थर्ड पीरियड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज एट रादर देन 18 ड्यू टू
4s एनर्जी या 4s ऑर्बिटल लेस देन 3d की एनर्जी से 4s की एनर्जी कम है, इसलिए थर्ड एलिमेंट में, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, मींस 18 से 3 से आपका क्या है, कम है। तो ये है आपका मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल, मिला जुला करके आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। तो इंपॉर्टेंट चीजें, मेंडलीव ने जो है फर्स्ट पीरियाडिक टेबल दिया किसने, मेंडलीव ने। मेंडलीव क्या है, रशियन केमिस्ट है, फुल फॉर्म है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव्स, ये रशियन केमिस्ट, और ये जो है प्रोफेसर थे, और ये जो है ज्यादा नेम फेम हुए किस क्षेत्र में, ये ज्यादा नेम फेम हुए थे, तो ये जो है इसका क्लासिफिकेशन किया था पेट्रोलियम और इंडस्ट्री के लिए, ये काफी नेम फेम थे और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रोफेसर थे। तो सेंट पीटर्सबर्ग के प्रोफेसर ये आपके मेंडलीव, जिन्होंने पहली बार दिया पीरियाडिक टेबल, और ये थे रशियन केमिस्ट। इसमें आपका पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड है आपका 7, और ये है आपका हॉरिजेंटल कॉलम, 8 है आपका ग्रुप, और 8 को डिवाइड कर दिया गया है ए और बी में, लेकिन 7th केवल ग्रुप डिवाइड किया गया है एक्सेप्ट 8, 8 को छोड़ करके सारी ग्रुपों को ए और बी में डिवाइड कर दिया गया। बेस्ड बनाया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे जैसे पीरियड में चलेंगे उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफर होंगे। कुछ सम वैकेंट छोड़ा था इन्होंने, जिसे एका नाम दिया था, एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, बाद में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के नाम से जाना गया। तो ये कुछ जितने नंबर आप होंगे ऑर्बिट के उतने ही पीरियड होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीरियड। इन्होंने कहा थर्ड, 3 पीरियड ऐसे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिन्हें शॉर्ट कहेंगे, अदर 3 लॉन्ग, और 7th है आपका इनकम्प्लीट, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर आपका वेरी लॉन्ग, और फिर आपका होता है, तो इस टाइप से आपका मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहता है। पहली बार पीरियाडिक टेबल दिया है मेंडलीव ने, पहली बार क्लासिफिकेशन किया है डोबे राइनर ने। अब मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की बात हम छोड़ दें, तो इसमें आप जिस समय मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल बनाया था उस समय 60 से 65 एलिमेंटों की डिस्कवरी हुई थी, मैक्सिमम डिस्कवर एलिमेंट 60 to 65 इन दिस टाइम। इनर्ट गैसें अननोन थी, क्वेश्चन आया आपका इनर्ट गैसों की जानकारी नहीं थी, और इसी 8 ग्रुप में आपका एक ग्रुप 0 बढ़ा दिया जाएगा, तो आपका टोटल ग्रुप जो 8 है, ये टोटल ग्रुप आपका बदल जाएगा 9 में, 9 टोटल ग्रुप होंगे, और ये आपका एक्टिनाइड और ये आपका लैंथेनाइड, इनकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो कहा गया जिस समय मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल बनाया उस समय केवल 60 से 65 एलिमेंट थे, लेकिन जब 0 ग्रुप के एलिमेंटों की डिस्कवरी हो गई, लैंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंटों की डिस्कवरी हो गई, तब इसे पीरियाडिक टेबल रखने में असुविधा होने लगी, और तब इसे मॉडिफाई करके मेंडलीव ने एक नई पीरियाडिक टेबल का बनाया, और जिसे कहा गया मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इस पीरियाडिक टेबल में 9 ग्रुप हैं, इसमें 0 जोड़ा गया जो दाहिनी तरफ लास्ट में रखा गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का 14 एलिमेंट का 2 आपका ग्रुप बनाया गया, 2 कॉलम बनाया गया, और इसे पीरियाडिक टेबल के लोअर साइड में रखा गया, और ये कहलाया आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट।
तो मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल मॉडिफाई इनटू मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इन दिस पीरियाडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 9, वन ग्रुप ऐड 0 इन इनर्ट गैस एंड टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट आर कॉल्ड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो आप 0 ग्रुप लैंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंटों को जोड़ दीजिए और नया पीरियाडिक टेबल बन गया जिसे कहा गया मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियाडिक टेबल और मेंडलीव्स की ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं जो बेस्ड है मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल और मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पर। या इससे पहले वीडियो जो पढ़ाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट वेयर क्लासिफाइड बाय, पहला एलिमेंट जो सबका क्लासिफाई किया वो कौन सा साइंटिस्ट था, उसका नाम है आपका डोवे राइनर। द मोस्ट एक्टिव स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल वाज टेकन बाय, यही फोर्थ ऑप्शन फिर ले लीजिए, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेंडलीव्स। तो इन्होंने पहला जो है एक्टिव स्टेप लिया था पीरियाडिक टेबल के डेवलपमेंट के लिए, ऑप्शन ये फोर्थ है। द मेंडलीव पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन, तो ये किस पे आपका बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर देगा आपका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, बोथ, नन, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। द फर्स्ट पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय, तो पहला पीरियाडिक टेबल है आपका किसने दिया, मेंडलीव्स ने दिया फर्स्ट पीरियाडिक टेबल। द लॉ ऑफ ट्रेड वाज अनाउंस्ड बाय, डोवे राइनर ने पहला जो है दिया था ट्रेड लॉ, लॉ ऑफ ट्रेड या ट्रेड लॉ डोवे राइनर ने दिया था। द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ग्रुप होता है एलिमेंटों का पीरियाडिक टेबल में इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, तो जो पीरियाडिक टेबल में ग्रुप होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल, और यही शो करता है बैलेंसी को। लेकिन जो पीरियड है ये ऑर्बिट को शो करता है, अभी हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है नीट में, आया हुआ है आपका जी में, आया हुआ है आपका बीएचयू में, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाए गए कि जो आपका क्लासिफाई, पहला क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया, और वो भी फर्स्ट क्लासिफिकेशन डोवे राइनर, फर्स्ट पीरियाडिक टेबल किसने दिया, तो आपका नाम क्या है, मेंडलीव। पीरियाडिक टेबल कहा जाए मेंडलीव का, या पीरियाडिक आपका ला कहा जाए, या पीरियाडिक सिटी कहा जाए, ये किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। आया क्वेश्चन, ट्रेड ला किसने दिया, डोवे राइनर ने। ऑक्टेव थ्योरी किसने दिया, ऑक्टेव ला किसने दिया, न्यूलैंड ने। तो नंबर ऑफ ग्रुप शो करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल को, सारे इंट्रेंसों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही इतने हैं आपके मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियाडिक टेबल।